हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके मैं आ गई हूँ। आप सभी लोग अपना स्कोर चेक कीजिए। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, चाहे अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केवीएस एनवीएस हो, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और डेली बेसिस मैं आपका प्रैक्टिस करा रही हूँ 7 से 8 हज़ार क्वेश्चनों का, जिसका प्रैक्टिस करके आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपने भी थ्योरी सेशन पढ़ा होगा। और इससे चेक कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक में कमज़ोर हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने एमपी टेट एग्ज़ाम दे लिया है, उसका आंसर की भी आ गया है, आप पास हैं कि फेल हैं ये भी आपको पता चल गया है, उसके अकॉर्डिंग पुनः आप मेन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। और यूपी टीजीटी का भी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, यूपीएलटी ग्रेड का भी विज्ञापन आएगा, तो तैयारी में लगे रहिए। समय नहीं है आपके पास, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, सभी लोग बहुत बेहतरीन तैयारी कर चुके हैं, तो इस दौर में आपको भी उससे ही बेहतर बनना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 27 क्वेश्चनों का सीरीज है बस, आज छोटा सा वीडियो रहेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईओसी का मुख्यालय है लोसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर पियरी डी कोबर्टिन के द्वारा किया गया था, और इसी के आधार पर आईओसी में एक अध्यक्ष 8 वर्ष के लिए चुना जाता है, और 2 उपाध्यक्ष 4 वर्ष के लिए, और 7 कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होते हैं 4 वर्ष के लिए। तो पूछा जाता है कि आईओसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 8 वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा भारतीय है इस क्वेश्चन में जो आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अभी तक सदस्य नहीं है, और कौन बना है? तीन आपके इसमें हैं, रह चुके हैं, और एक नहीं है, इसको छांटना है। तो इसमें सर द्रौपदी टाटा आईओसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं, एस रणधीर सिंह भी रह चुके हैं, जी डी सोंधी भी रह चुके हैं, वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में किस वर्ष में ओलंपिक खेल रद्द नहीं किए गए? तो किस वर्ष में रद्द नहीं किए गए? रद्द तीन आपका रद्द किए गए हैं, एक में आपका रद्द नहीं किए गए हैं, 4 ऑप्शनों में जो रद्द नहीं किया गया है उसको आपको छांटना है। तो अब आपको देखना है कि रद्द कब कब किया गया है। तो 6वीं, 12वीं, 13वीं ओलंपिक यानी कि 1916, 1940, 1944, ये तीन ओलंपिक प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ, रद्द कर दिया गया। और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1912 रद्द नहीं किए गए। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों के लिए दिनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ओलंपिक खेल 16 दिन तक चलता है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों की समाप्ति यानी समाप्ति अनुष्ठान के दौरान निम्न में से कौन सा झंडा नहीं फहराया जाता? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उद्घाटन समारोह, उद्घाटन की घोषणा
अध्यक्ष करता है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष करता है मेजबान देश का, यानी वो राष्ट्रपति होता है या अध्यक्ष होता है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि ओलंपिक खेलों की समाप्ति के समय कौन सा झंडा नहीं फहराया जाता। तो समाप्ति के समय सबसे पहले यूनान की ध्वज को फहराया जाता है वहां के राष्ट्रगान की धुन के साथ, फिर दूसरे नंबर पर मेजबान देश का राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है वहां के राष्ट्रगान की धुन के साथ, फिर तीसरे नंबर पर अगले देश का ध्वज फहराया जाता है जहां अगला ओलंपिक होने वाला है। तो यहां पे कौन सा झंडा नहीं फहराया जाता, विजेता देश का झंडा, और इन सब का फहराया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि उद्घाटन की घोषणा जो है मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति करता है, और समापन की घोषणा आईओसी का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने का रिवाज कब से शुरू हुआ। तो 1936 बर्लिन जर्मनी में से शुरू हुआ। नेक्स्ट है एशियाई खेलों की परिकल्पना किसने किया था दोस्तों। तो प्रोफेसर जीडी सोंधी जो है इन्होंने एशियाई खेलों की परिकल्पना किया था, जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय बैरन पियर डी कुबर्टिन को जाता है, उसी प्रकार एशियाई खेलों को शुरू करने का श्रेय जीडी सोंधी को जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक के पिता कहे जाते हैं बैरन पियर डी कुबर्टिन, तो एशियाड के पिता कहे जाते हैं जीडी सोंधी। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल कब खेले गए। तो 1951 नई दिल्ली में खेला गया प्रथम एशियाई खेल, और 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में जकार्ता पालेमबांग में हुआ था, एंड ह्वांगझोउ चीन में एशियाई खेल 2022 में का अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन भारत में कब हुआ। तो 1982 में हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एक प्रकार का अस्थि भंग जिसमें अस्थि का एक पार्श्व टूट जाता है और दूसरा पार्श्व झुक जाता है। तो ये छोटे बच्चों में असर होता है, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चों की जो अस्थियों का विकास होता है अच्छे ढंग से नहीं हो जाता है। तो किसकी कमी से ऐसा हो जाता है, अस्थि के विकास के कमी के कारण। नेक्स्ट, चीरकालिक लंबी अवधि थकान की मात्रा आकी जा सकती है। तो यह रोग विषयक विधि के द्वारा मापी जा सकती है। नेक्स्ट है प्रशांति प्रदान करने वाली औषधि कही जाती है। तो यहां पे जैसे कि डायुरेटिक्स हो गया, ये भार कम करने के लिए होता है। स्वापक जो होता है ये यूरिन को छुपाने के लिए होता है। तो यहाँ प्रशांति प्रदान करने वाली औषधि क्या कही जाएगी, उपशामक, उपशामक कही जाएगी। नेक्स्ट, ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर करती है दोस्तों आयु पर, लिंग पर, शारीरिक क्रियाकलाप पर। तो ये तीनों पर आपकी ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर करेगी, क्योंकि छोटे बच्चे के आहार और एक बड़े वयस्क के आहार में अंतर रहेगा, एक स्त्री एक पुरुष के आहार में अंतर रहेगा, एक नौ काम करने वाले एक काम करने वाले में आहार में अंतर रहेगा। तो ऊर्जा की आवश्यकता किसको कितनी है उसके आयु, उसके लिंग, उसके सारे क्रियाकलाप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है निम्न में कौन वसा घुलनशील विटामिन नहीं है। तो दोस्तों विटामिन एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील बी सी और एच होता है, एंड वसा में घुलनशील ए डी ई के होता है। तो यहाँ पे विटामिन ए डी ई तीनों वसा में घुलनशील है, बट विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी रोग के आकस्मिक आक्रमण की रोक में शामिल है।
ऑप्शन है अवशेष कूड़ा करकट इत्यादि का यथेष्ट प्रबंधन राइट है, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाए, शुद्ध जल की आपूर्ति किया जाए, उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है टेंडनाइटिस, स्नायु रज्जु शोध है। तो दोस्तों जोड़ों के पास टेंडन में जो सूजन जलन इन्फ्लेमेशन आगरी आदि हो जाता है उसी को कहते हैं टेंडनाइटिस। तो यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क, स्नायु रज्जु का प्रदाह, इन्फ्लेमेशन ऑफ एचिलीस टेंडन। ठीक है, एचिलीस टेंडन जो हमारे एड़ी के पास की टेंडन होती है, एचिलीस टेंडन ये सबसे महत्वपूर्ण टेंडन होती है, और इन्फ्लेमेशन यानी उसमें सूजन हो जाता है, दर्द सूजन होता है, उसी को कहते हैं टेंडनाइटिस। नेक्स्ट है दशानुकूल है, दशानुकूल क्या है दोस्तों, यानी कि एक प्रकार का एडाप्टेशन अनुकूलन क्या है, यानी परिस्थितियों के अनुसार उसमें अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलित हो जाना, उसी को कहते हैं एडाप्टेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्यावरण के प्रति शारीरिक अनुकूलन ही दशानुकूल यानी एडाप्टेशन होता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन निम्न में से किस आधार पर किया है। तो इन्होंने प्रजाति, परिवार, व्यवसाय सभी के आधार पर बुद्धि का अध्ययन किया है, तो उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किस पर पर्यावरण का अवश्य प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ऊंचाई, स्वभाव, बुद्धि, इन सभी पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका निश्चय केवल अनुवांशिकता के आधार पर होता है। दोस्तों बुद्धि पर और व्यक्तित्व पर तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, यानी अनुवांशिकता पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है और ऊंचाई पर भी, बट केवल अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है तो शारीरिक ढांचे पर। ठीक है, शारीरिक ढांचे पर केवल अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर अनुवांशिकता का प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किसने किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, इनको अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है यह अनुवांशिकता या पर्यावरण नहीं है परंतु अनुवांशिकता और पर्यावरण है, यह कथन किसका है। तो यह है लम्बले का। नेक्स्ट है अनुवांशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर नहीं बल्कि अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आर डेविस का। इनका कहना है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर नहीं बल्कि अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट है तुम मुझे कोई बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी। तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन का कहना है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ये वादारों को ज्यादा प्रधान मानते थे। नेक्स्ट है मानव के जननिक लक्षणों के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होता है। तो जननिक लक्षणों अनुवांशिकता के कारण होती है, किसके कारण, जननिक लक्षणों का विकास अनुवांशिकता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की मेडुला से निकले स्त्राव का निम्न में से क्या नाम है। तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि जिसमें ओनली
हार्मोन स्त्रावित होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका एड्रेनल केवल दिया हुआ है, एड्रेनल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अंतःस्रावी तंत्र की रचना तथा कार्य का निम्नलिखित में किस पर प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, हमारे हार्मोन चेंजेस जो होते हैं वो शारीरिक लक्षणों पर, मानसिक लक्षणों पर, व्यक्तित्व पर, इन सभी पर प्रभावित करता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तब पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को नहीं ढालता है, यह कथन किसका है? यह कथन है ग्रीन का। तो दोस्तों, ये था आज के लिए बस 27 क्वेश्चंस, और ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट में बताइए, और इसी प्रकार के डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों, करते रहिए इसी तरह प्रैक्टिस, और अपनी ऊंचाइयों को छूइए, असीम सफलता प्राप्त करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।